जो हमारा जुड़ना है ये एज ए आउटसाइडर नहीं है बल्कि एज ए इनसाइडर है. वी आर बिकॉज यू आर बिकमिंग देयर 2080 पार्टनर्स राइट एज ए ज्वाइंट वेंचर राइट. नहीं सर, एक अब जो आपने आपने जो ये फिगर बनाई है जैसे 20% की, तो उस पे क्या कोई प्लान, मतलब 20% पे कोई एग्री हो, वो क्योंकि देखिए नॉर्मल. देखिए देखिए हाँ वो 20% पे इसलिए एग्री होगा क्योंकि उसकी आप इनकम 5 गुना कर दे रहे हो तो वो अपना क्या दे रहा है. नहीं, वो तो एग्रीड है, वो चीज तो एक्सेप्टेड है, लेकिन तो जैसे देखिए हम एक देखिए प्रोडक्ट. देखिए हाँ बेसिकली अल्टीमेटली इस व्हील को चलाने के लिए अल्टीमेटली जो पीछे देखा जाए कि हर काम कौन चला रहा है, बोले ईश्वर चला रहा है. तो इस समय आप ईश्वरी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि आप जो है उसके पीछे खड़े होके ईश्वर आप ही हैं राइट. और ईश्वर जो है सभी की एनर्जी लेके उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है. सीएफबी भी उसी को मैनिफेस्ट कर रहा है. सीएफबी इज नॉट ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राइट बट एट द सेम टाइम इट वांट टू बिकम ए वेरी पावरफुल थिंग फॉर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. तो इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए देर विल बी रिवर्स फ्लो ऑफ मनी. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना. तो पैसा कहां से आएगा राइट. तो वो 2080 जब हम आपका 5 गुना कर रहे हैं तो 2080 में क्या दिक्कत है. जब हम वर्कर्स का जो है ना 10 गुना कर रहे हैं वी आर सेइंग 50,000 रुपीज का परचेसिंग पावर देंगे एंड देन वी आर सेइंग कि हम जो है वी आर कैटरिंग ऑल योर नीड. अभी हमने एक ऑलरेडी नेशनल लेवल हाउसिंग जो है ना फॉर द रूरल लेबरर हमने ऑलरेडी गठित कर दिया है. ही इज ए आर्किटेक्ट हु इज क्रिएटिंग द मॉडल्स फॉर द दीज लेबरर्स. और हमने सोचा है कि देखिए आपके लिए तो आप कागज के मॉडल से समझ जाते हो, नक्शे से समझ जाते हो. हम लेबर को वहां रहने का मौका देंगे अपने वर्कर को राइट. फिर वो उसको डिसाइड करे कि कौन सा मॉडल उसको पसंद आ रहा है राइट. देन ही कैन डिसाइड कि साहब हमें इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए. हम और आप जो है सिंस अवर मेंटल फैकल्टी इज लिटिल मोर डेवलप्ड हम अपने दिमागी स्तर पे बहुत सारी चीजें इमेजिन करके और एक्सपीरियंस करके वी कैन टेल के हमें ये चाहिए राइट. हालांकि आपके वो कहने से भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आपको बाथरूम खूब बड़ा बड़ा चाहिए लेकिन वो साला छोटा ही बाथरूम आपको दे रहा है. आपको किचन खूब बड़ा चाहिए लेकिन वो आपको छोटा ही किचन दे रहा है. वो आपको सर्वेंट क्वार्टर दी आपको लगता है कि नहीं सर्वेंट शुड ऑल्सो हैव ए फीलिंग ऑफ स्पेस. तो वो आपको 8 बाय 10 का ही बना के दे रहा है. क्यों? क्योंकि वो अपने कंसिडरेशन से गवर्न हो रहा है राइट. नंबर वन. नंबर टू होल इकोनॉमी. अभी सोचिए आप यहां से मून कैसे पहुंचते हो. कैसे पहुंचते हो फोर्स सोर्स साधन लगता है उसके लिए. मून. नहीं, आप रॉकेट के जरिए पहुंचते हो राइट. रॉकेट आपको जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बियॉन्ड जाने का आपको इम्पल्सन देता है, आपको जो है ना पावर देता है राइट. ये सीएफबी आपको प्रेजेंट ट्रेचरी और गरीबी से ऊपर जाने का मॉडल दे रहा है, पावर दे रहा है. तो जब तक उसके पास खुद ताकत नहीं होगी तो वो आपको क्या पावर देगा राइट. तो ये अकेला वो 2080 की नहीं होगी बल्कि ये भी होगा कि एवरीबडी इन अवर इकोसिस्टम वुड बी क्रिएटिंग करंट लिमिट ऑल्सो राइट. दैट करंट लिमिट विल कम एट द डिस्पोजल ऑफ द सीएफबी. और यदि सीएफबी उसको यूज करेगी तो सीएफबी को पैसे की बहुत कम जरूरत पड़ने वाली है. जानते क्यों? ओनली वेन इट इज सेट इस बैंकिंग यूनिट जो है ना सेटलिंग अकाउंट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट राइट देन ओनली इट नीड मनी. बाकी के लिए तो इसका जो है ना अपना सीएफबी पॉइंट इज गुड इनफ राइट. राइट. अच्छा दूसरी बात है कि आप उसी इकोसिस्टम से यू कैन परचेज एवरीथिंग एंड नॉट ओनली परचेज क्योंकि हम पूरे इकोसिस्टम के को अब बेनिफिट दे रहे हैं राइट. अभी जो है एक व्यक्ति जो भी कर रहा है उसे अपना एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है. ये सो कॉल्ड द सेलिब्रिटी जो बिजू के होते हैं राइट. इन बिजू को भी बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, वो भी करोड़ों में होता है. ढेर सारे न्यूज़पेपर में वो छपवाता है, यहाँ जो ना रेडियो टेलीविजन पे देता है जो कि करोड़ों में जाता है. आपको तो हमारी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए यूनिट बढ़ाना पड़ेंगे, एक से ज्यादा यूनिट लगाना पड़ेंगे, 24 घंटे चलाने की बात करना पड़ेगी, ऐसे सिस्टम क्रिएट करना पड़ेंगे राइट.
तो अभी आप जो है ना 2500 चीजों को मैनेज कर रहे हो, राइट, इंक्लूडिंग नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को, राइट, फिर आपको किसी को मैनेज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही किसी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, सीएफबी का जो है ना क्राइम यूनिट उसको कैप्चर करके उसको बिल्कुल एकदम परमानेंटली फिक्स कर देगा, राइट. तो दिस इज ए वेरी पावरफुल सिस्टम, राइट. और देखो, यदि हम 5 गुना दे पा रहे हैं तो क्यों दे पा रहे हैं और ये रिसोर्स क्यों चाहिए? इट इज नॉट बेसिकली फॉर आवर सेल्फ, इट इज फॉर टेकिंग इट टू द हायर ट्रेजेक्टरी. और जब हम आपकी 5 गुना कर रहे हैं भाई साहब, तो आपकी 5 गुना हम कर रहे हैं ना. अभी तो आपके जो है ना ऊपर की शर्ट गायब हो रही है, अभी तो आप सुसाइड कमिट कर रहे हो, अभी तो आप जहर पैदा कर रहे हो, फिर जो है ना अमृत पैदा करोगे, अभी तो आपका पानी 200 फीट, 400 फीट, 1000 फीट नीचे चला गया है, फिर वो 8 फीट पे अवेलेबल होगा. खेत के अंदर जो है देयर विल बी काउ वेज. अभी हमने सोचा है कि गाय बंधी क्यों रहे, उस समय तो जो है गाय जो है बाहर जाती थी चराने के लिए, उसके लिए कृष्ण भगवान जैसे जो है सारथी हुआ करते थे, बांसी भी बंसरी भी बजाते थे, राइट. अब कृष्ण भगवान तो होंगे नहीं, और हमारा व्यक्ति जो है वो प्रोडक्शन में लगा होगा, तो गायों को लेके जाने वालों की तो होगी भी नहीं और ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि वो गायों को जो लेके जाएगा वो हाथ में डंडा रखेगा, डंडा और मारेगा, राइट. तो वी आज ही हमने कंसिडर किया कि वी विल बी हैविंग द काउ वेज. इतने सारे जो पेड़ लग रहे हैं, इन पेड़ में जो है ना वी विल क्रिएट ए काउ वेज, और बीच बीच में काउ स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ खाने की व्यवस्था होगी, जो है ना वो नहाने की व्यवस्था जो है खाने की उसी जगह क्यों, सेड में ही क्यों, बाथिंग स्पेस में भी इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द सेम फार्म हाउस, राइट. और उसको जाने के लिए डेडिकेटेड पाथवेज होंगे, राइट, जिसमें जाली लगी हो, ठीक है ना. देन आप ये सोचिए कि जो आप प्लग कर रहे हो वो वर्टिकल जा रहा है, वो वर्टिकल लेयर अपन अभी 5 कह रहे हैं, आगे जाके 20 भी हो सकती है, राइट. एंड आप क्या कर रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं, यू विल बी डूइंग दैट हॉरिजेंटल प्रूनिंग ऑफ दैट, राइट. मतलब जो डगार जो है ना नीचे आ रही है उनको कट करते जाएंगे, यू विल अलाउ द ट्री टू गो अप. इससे हमें दो बड़े फायदे मिलेंगे, एक तो जड़ नीचे जाएगी वेट को संभालने के लिए पेड़ के लिए, राइट. नंबर टू, द प्रूनिंग जो है इट इनकरेजेज फ्रूटिंग, तो फ्रूटिंग का फायदा मिलेगा हमें, राइट. और थर्ड फायदा जो है ना हमें मिलेगा कि हमें एक वर्टिकल क्लियर हाइट मिलेगी जिसमें सन पहुंचेगा, राइट. तो हम वर्टिकल कल्टीवेशन पे जाएंगे, तो ये जो बड़े खेत हैं उसमें नहीं करेंगे, जो छोटे खेत हैं जो कि घट घट के जो है ना आधा एकड़ हो गया, एक एकड़ होगा, वहां पे वर्टिकल कल्टीवेशन में जाएंगे. एंड शुरू में 5 लेयर होंगी, फिर जो है ना 10 लेयर, 20 लेयर, 25 लेयर तक जाएंगे, जितना जो है ना पेड़ ऊपर जाने देगा उतने जाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी जो आप 5 टाइम्स कह रहे हैं वो तो आप 1 MSP में कॉस्ट हटा के अपन ये मान रहे हैं कि उसे अभी 20% मिल रहा है, राइट. 80% तो कॉस्ट में चला जा रहा है, तो अभी तो जो है अपन उसको 1 MSP विदाउट कॉस्ट दे रहे हैं, एंड प्रिज्यूमिंग दैट इट विल बिकम 5 टाइम्स, राइट. जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, अभी आपकी जो है ना मिट्टी जो कि मृत प्राय हो गई है, केमिकल से वो हो गई है, वो उसकी आपको प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी खत्म हो गई है. तो आपका 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो सकता है थोड़ा सा माइनर शॉक के कारण, मुझे तो लगता है कि वो भी नहीं होगा, राइट. लेकिन 1 साल के अंदर ही आप उस शॉक को जो है ना बहुत उससे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपके पास गोबर ही नहीं है करने के लिए. फिर हर खेत में जब गौशाला होगी तो हम जो है अपनी मिट्टी को लाने के लिए, मुझे उसको जिंदा करने के लिए, और फिर उसको और उसमें एनर्जी डालने के लिए 2 या 3 साल में तो हम 1.5 टाइम्स जो है ना प्रोडक्शन कर पाएंगे, जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द कि हमने मिट्टी में जो है ना जान डाल दी, राइट. फिर आप ये देखिए कि जब आप मल्टी लेयर्ड जो है ना प्रोडक्शन करेंगे, और अज्यूम करिए अपन 5 ही करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन विल गो 5 टाइम्स, राइट. अब इसका मतलब है कि किसान की इनकम 25 गुना बढ़ी है, तो उसके अपने कारण बढ़ी है. हम तो उसको कह रहे हैं कि तुम अपने फील्ड के मैनेजर बनोगे, हम उसके लिए भी आपको सैलरी देंगे. तो आप तो वो भी नहीं कर रहे, बस आपका केवल ये है कि यू आर हैविंग इंटरेस्ट, क्योंकि 1 MSP आपको तब मिलेगा जब कुछ पैदा होगा, राइट. तो हम तो आपको तो वैसे भी अपने यहाँ के प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा, राइट. और हम एडिशनली जो है ना आपको मैनेज वो दे रहे हैं कि फॉर मैनेजिंग योर ओन फील्ड,
But the only difference that it will not go in profit account, it will go in cost settling account. Are you getting my point? इससे जो है ना एक बहुत बड़ा लीवर ये मिल रहा है कि जो किसान जिनकी सोच समझदारी थोड़ी सी कमजोर हो वहां पे आप ज्यादा प्रोग्रेसिव बच्चों को जो है ना यू कैन डिप्लॉय एज ए फील्ड मैनेजर सो दैट द कंप्लायंस ऑफ आवर मॉडल विल नॉट बी आई मीन दैट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम राइट. फिर आप जो है पानी के ऊपर ले आ रहे हैं और उसमें जो है एक किनारे हम वी आर नाउ कंसिडरिंग के वाटरवेज भी रखेंगे राइट. तो सोलर एनर्जी ड्रिवन जो है छोटे से वाटरवेज होंगे जिससे कि विद इन फील्ड जो है अपने स्पेशली बड़े फील्ड में जो है जो आपके फ्रूट्स होंगे या जो चीजें होंगी उनका अपन पे सिर पे ले जाने की बजाय इधर इट दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द रेलवे स्मॉल सी छोटी सी ट्रेन होगी छोटी सी ट्रॉली होगी राइट. और उसमें जो है ना अपने आप जो है ना ऑटोमेटेड जो है वो उसको प्लकिंग पॉइंट से ग्रेडिंग क्वालिटी असेसमेंट एंड पैकेजिंग प्लेस पे ले जाएगा और वहां पे रैक्स अवेलेबल होंगे उन रैक में लोड हो जाएगा एंड देयर विल बी लोडर. तो जो ट्रक आया तो उसने पूरे जो ना रैक को ऊपर उठाया और पुश कर दिया. तो पुशिंग के लिए टाइम आपका बहुत कम लगेगा राइट. ये सब चीजें कौन कर रहा है आपकी 25 गुना जो है ना वो इनकम कौन बढ़ाएगा बाद में मैथिलीकरण ग्रुप. तो इन सब चीजों के करने के लिए जो है ना कुछ तो रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना. और फिर अपन ये नहीं कह रहे हैं जो अवेलेबल है उससे वी आर सेइंग वी विल इन्वेंट अवर टूल मशीनरी इक्विपमेंट मॉडिफाई देम एंड नाउ वी आर कमिंग विद द लाइफ टाइम वारंटी ऑफ द मशीन्स. आज सारी जो है ना बेकार चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी नहीं है. तो कंज्यूमेबल को छोटा कर दिया जाएगा और उसकी केसिंग को जो है ना स्ट्रेंथ विल कम फ्रॉम नॉट पार्ट इट विल कम फ्रॉम केसिंग. तो वियर और टीयर जो है ना विल बी एज स्मॉल एज पॉसिबल राइट. और उसको सुधारा नहीं जाएगा उसको केसिंग से बाहर निकाला जाएगा नई केसिंग डाल दी जाएगी उसमें राइट. और उसको मेल्ट करके दोबारा बनाया जाएगा राइट. लोहे का रेट बढ़ता जा रहा है तो आपकी तो कोई चीज बुरी है ही नहीं. इवन कंप्यूटर्स में बाय द चिप 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 को जो है ना लॉकिंग में जाना चाहिए बाकी तो कनेक्शन जो है ना आपका पावर आ रहा है ये आ रहा है तो ये थोड़ी बदल रहे राइट. तो जो जो चीज बदलने वाली है उसको छोटा कर देंगे. और अभी तो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट बन रहा है जब लाइफ टाइम वारंटी होगी तो वो अपने चीज को वापस अपने पास लेगा मटेरियल को रिट्रीव करेगा और ही यूज करेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो और उसको जो है लाइफ टाइम वारंटी के लिए विद द गारंटेड अपग्रेडेशन. तो लाइफ टाइम वारंटी विद द गारंटेड अपग्रेडेशन. तो आपका जैसे मान लो लैपटॉप है तो आपका आपको नया लैपटॉप दे दीजिएगा आपका लैपटॉप चला जाएगा एंड देन जो भी बैकएंड पे होना है वो हो जाएगा राइट. और किसी को इस बात से भी कोई लेना देना नहीं होगा कि सब जो है क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी है तो यू विल नॉट बॉदर के रिफर्बिश हुआ है या ये हुआ या वो हुआ. योर फोकस विल बी ऑन द फंक्शनलिटी पार्ट ऑफ इट राइट. तो वो बिल्कुल आपको क्यों लगता है कि 20% क्योंकि 20% नहीं होगा देन यू विल बिकम आउटसाइडर. 20% मतलब कुछ और था. उसका मतलब ये था कि लेट से अगर हम 2000 रुपए क्विंटल एक चीज है आज की डेट में वो उतने का बिक रहा है बाजार में और हम भी उसको जो भी हमने लगाया लेट से हमने उसको 2200 रेट रखा. आप इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए इसलिए भूल जाइए क्यों क्योंकि जो है आप ये प्राइस अभी आप अभी ये प्राइस जो है ना मार्केट फोर्सेस तय कर रहे हैं. अभी जो है बेसिकली जो बीच में मिडिल मैन है वो गेम खेल रहा है. हसद नसाद ऐसे लोग जो है ना शेयर की प्राइस कम बढ़ा कर रहे हैं. इट इज नॉट हैपनिंग ऑन अकाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री. इट इज हाइपोथेटिकली हैपनिंग कि कोई एक नालायक हर्ष मित्र जैसा व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है जो खरीद बेच के एक हाइपोथेटिकली जो है ना ट्रेंड को ऊपर नीचे कर रहा है एंड ही इज मेंटिंग मनी आउट ऑफ इट. उसकी उसका जो है ना शेयर के रेट्स आर नॉट इंक्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री. इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द समथिंग एल्स. यही चीज जो है ना इसमें हो रही है कि जो है कहीं होर्डिंग कर ली जा रही है आर्टिफिशियल स्केसिटी क्रिएट की जा रही है और फिर जो है ना उसके रेट बताए जा रहे हैं. और वैसे भी जो है ना आपका तो पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा तो ऑर्गेनिक आज के रेट पे क्यों मिलना चाहिए. हम 2 times के नीचे तो बेचेंगे ही नहीं. 2 MSP के नीचे तो अवेलेबल ही नहीं होगा. जिसको जिसको लेना हो जहां से ले ले राइट. अच्छा यदि अपन को लगा कि किसी कारण से मार्केट फोर्सेस को जो ना अडॉप्ट करने में समय लग रहा है तो अपन रिवेंट दे देंगे
भाई जब आपको किसान को जो है ना उसमें खर्ची नहीं हो रहा है राइट, तो रिबेट देने में क्या दिक्कत है? तो प्राइस इज एट अवर कंट्रोल ना. आपको सपोर्ट प्राइस आज क्यों चाहिए? बिकॉज देर इज ए कॉस्ट राइट. आप कॉस्ट को जोड़ के ही तो प्लस सर्टेन प्रॉफिट जोड़ के फिर आप सपोर्ट प्राइस तय करते हैं ना, और कोई तरीका है? बिल्कुल ठीक है ना. तो जब आपकी कॉस्ट जीरो हो गई है तो सपोर्ट प्राइस जो ना विल बी गवर्न एट द बिल ऑफ मैथिली शरण गुप्त. आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि भाई साहब आपको तो हम जो है ना शुद्ध लाभ दे रहे हैं ना. अच्छा दूसरी बात है कि जो बेगरीज ऑफ नेचर है दैट वो खत्म हो जाएगी. जो आप जिस चीज से आज डरे हुए हो, आप क्यों डरे हुए हो कि कहीं पानी अति वर्षा तो नहीं हो जाएगी राइट. आप डरे हो कि कहीं जो है ना सूखा तो नहीं पड़ जाएगा. आपका सूखा और फ्लड ये दोनों गायब हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपके ही उसमें ट्रंच लगी हुई है, तो आपका जो है ना वो पानी को जो है ना नीचे ले जाने के लिए काफी है. ठीक है ना. और इतने गहरे गहरे प्लांट्स लगे हुए हैं वो भी पानी को ले जाएंगे राइट. सो आपका जो विंड रिलेटेड विंड से लॉस होता था वो लॉस नहीं होगा. चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं तो विंड का लॉस कहां से होना है? बिल्कुल. तो आप जो आज के जो लॉसेस हैं और जो आप नेचर रिलेटेड अनसर्टेनिटी कह रहे हैं दैट विल आल्सो मिनिमाइज टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. आई विल नॉट से इट विल बी जीरो बट इट विल रिमेन 10% और 15%. तो जो आपके अनफोर्सीन लॉसेस होते थे जो आपको एक्सपोज करते थे दैट विल बी जीरो राइट. और जब चूंकि पूरा इकोसिस्टम हम ही कंट्रोल कर रहे हैं तो जहां जिसको जरूरत होगी ईश्वर तो सभी का ध्यान रखता है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई वो होना चाहिए. और वंस यू आर बिकमिंग द पार्टनर योर इंटरेस्ट एंड देयर इंटरेस्ट बिकम द वन एंड द सेम. आउटसाइडर को तो ये है कि सर हमने सलाह दी तुम्हारी ऐसी कम तैसी हो तो हो, हमें क्या फर्क पड़ता है. आउटसाइडर तो जो है ना इसलिए आपसे फर्टिलाइजर जो है ना ओवरडोज में डलवा देता है क्योंकि उससे उसको जितना बेच लेगा उसको फायदा होगा. आज जो है ना ये बहुत सारे जो फंड वंड बेचने वाले आते हैं वो मूर्ख बना के जिसमें उनको ज्यादा रेट मिलता है जितना ज्यादा पैसा मिलता है उसको बेच देते हैं. आप दुकान पे जाते हो तो वो जो है ना उस प्रोडक्ट को आपको टिकाने के फिराक में रहता है जिसे जिसमें उसको ज्यादा आमदनी हो रही है. बिल्कुल. मतलब वो चाहे ये कह के कहे कि नहीं साहब इसकी मांग बहुत है, लेकिन वो मांग और वो सही भी हो सकता है क्योंकि वो मांग उसी ने जनरेट की है ना. उसने हजार लोगों को सजेस्ट किया कि साहब ये बहुत अच्छा है तो हजार लोगों ने खरीद लिया तो मांग भी बढ़ा दी और पैसे भी बन गए. तो जब आप उनके पार्टनर हो गए हैं तो देयर इंटरेस्ट एंड योर इंटरेस्ट आर नॉट सेग्रीगेटेड. तो दैट इज ऑल्सो जैसे भगवान की हर जगह बैठना चाहिए ऐसे ही जो है ना सीएफबी की आत्मा जो है ना वो वहां बैठना चाहिए. राइट. एंड वी आर टेकिंग यू टू द हायर ट्रेजेक्टरी. ये तो वो जो रॉकेट में कह रहा था मैं इसलिए कह रहा था अभी तो आप पिटेंस पे हैं. अब आप ये देखिए जब आपका वर्कर जो है ना 2.5 लाख रुपए पर फैमिली जो है ना पर मंथ कमाएगा देन विद दैट अमाउंट ही शुड बी इन पोजिशन टू हैव द बेस्ट हाउस. एसी उसके घर में क्यों नहीं होना चाहिए? फ्रिज उसके घर में क्यों नहीं होना चाहिए? टीवी और बड़े टीवी उसके घर में क्यों नहीं होना चाहिए? बल्कि देखा जाए यू आर ह्यूमन बींग इज ऑल्सो ह्यूमन बींग. आपके भी शरीर में खून बह रहा है उसके भी शरीर में खून बह रहा है. आप भी मरोगे वो भी मरेगा. मरने के बाद जो है ना यहाँ जो है ना सब चीजें आप ही भोग करेंगे. नहीं, आप बताइए ना. आपको गारंटी नहीं है कि आपको अगला मानव शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बेचारे उसको भी गारंटी नहीं है. तो आप तो यहां से एस करके जा रहे हैं उसको एस करना क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं वो तो अग्रीबल है. नहीं तो जब चारों तरफ जो है ना इट विल चेंज द होल थिंग. और वो क्या कह रहा है कि भैया हम ही करके दिखा रहे हैं हम तो आपको ज्ञान भी नहीं बांटेंगे. भाई हमारा वर्कर्स को हम सिखा रहे हैं हम अपने वर्कर को मशीनरी दे रहे हैं और जब हम वर्टिकल वो करेंगे तो हमें वी विल बी रिक्वायरिंग वर्टिकल मैकेनाइजेशन फॉर प्लकिंग एंड डूइंग दैट वर्टिकल फार्मिंग. और आपके पास तो एक एकड़ है जिसमें आप जो है ना आपको मजदूरी के लिए जाना पड़ रहा है. हम उस एक एकड़ में इतना पैदा कर देंगे कि दैट विल बी 10 times ऑफ द टूडे. बिल्कुल राइट. और चूंकि आपका छोटा है तो आप वैसे भी वर्कर का काम कर रहे हैं तो एज ए वर्कर जो है जो आपको 1 MSP मिलेगा और अल्टीमेटली कॉस्ट सेटलिंग है. कॉस्ट सेटलिंग वाला जब कॉस्ट सेटल हो जाएगी इट माइट टेक 5 years or whatever राइट.
जब कॉस्ट सेटल हो जाएगी तो वो कॉस्ट सेटल जो है ना फ्लो तो प्रॉफिट अकाउंट में करेगी ना। अल्टीमेटली कॉस्ट, यदि कॉस्ट सेटलिंग जीरो पे पहुंच गई राइट, तो जो 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 एक्स्ट्रा मनी होगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट अकाउंट में चला जाएगा ना, मैंने सीबी अकाउंट में पहुंच जाएगा ना। दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव और जीरो, बिल्कुल, दिस विल नॉट बी होल्डिंग। तो जब इससे जाएगा एंड देन व्हाट अबाउट जो है जो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करेंगे, जो आप जो ना फिशेस पैदा कर रहे हैं, जो आप एक्वा कल्चर पैदा कर रहे हैं, जो आप एल्गी पैदा कर रहे हैं, वो तो आप जमीन में कहीं नहीं है। बिल्कुल, मतलब आप एक बहुत पावरफुल इकोसिस्टम जो है ना पैदा कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आपको मार्केटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुष्टता तो मार्केटिंग मैकेनिज्म में है। ये मिडिल प्लेयर ही सब बदमाशी कर रहे हैं ना, इनकी दुकानें बड़ी हो रही हैं, हैं? बिल्कुल राइट right? हाँ, और फिर जो है ना रिटेलर और होलसेलर उसमें सीएफबी के बोर्ड लगेंगे जो हमारे साथ पार्टनर बनेगा, और जो हमारे साथ पार्टनर नहीं बनेगा वो सर्वाइव ही नहीं करेगा मार्केट में। तो सीएफबी कितना दिखाई देगा, चाहो तो सीएफबी सीएफबी दिखेगा, भारत सीएफबी हो जाएगा। बिल्कुल, देखो यदि आप यदि आप विजुलाइज हैं अभी करते हैं और जो नहीं नहीं करते क्या है उन्हें, आपको ये मुझे बताना पड़ेगा ना। ये देखो इसमें जो है सूत्रधार कौन है कहानी का, मैथिली शरण गुप्त, तो कौन बताएगा क्या करना है। चलिए आप ही बता रहे हैं, हम तो आप ही इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं। हाँ, तो आपको अभी ये करना है कि देखिए हमारे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं राइट। तो अभी हमारे एक बड़े अच्छे व्यक्ति से कल बात हुई, मेरे ख्याल से एग्रो पार्ट का जो इकोसिस्टम है वो तो हमें उनके माध्यम से ही हमारे टच में आ जाएगा राइट। उनको उनको जो है ना हम उसी इकोसिस्टम में लोगों को जो है ना डेवलपमेंट ऑफिसर बनाएंगे। अब ये बताइए वो डेवलपमेंट ऑफिसर कितना कमाएगा, यदि मान लो उसकी विश्वसनीयता है ही इज ऑलरेडी ओपिनियन लीडर और जो कुछ भी हो रहा है वो एक रिटन ज्वाइंट वेंचर के तहत हो रहा है, विच इज उसमें जो भी बातें अपन जवानी जमा खर्च कर रहे हैं दे विल बी ऑल रिटन राइट एंड दैट विल बी लीगली एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ राइट। अब जो है इस ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट को कराने के लिए आपके जो है ना ये बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर घूम रहे हैं राजू करिए ठीक है ना, और उनको वॉलंटियर कहें या बड़े नाम जो अपन देना चाहें। अब जो है अज्यूम करिए कि वो चूंकि वहीं घूम रहा है राइट, तो यदि वो एक दिन में जो है ना 10 लोगों को भी करता है राइट, और शुरू में आपका ज्यादा तो होंगे नहीं, तो एक बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना कई गांव को कवर करेगा जब तक आपके पास हर गांव में एक नहीं होगा राइट। तो वो एक दिन में यदि 10 किसानों को वो करता है राइट, तो हाउ मच इज अर्निंग, 1,00,000 रुपीज पर डे, और अगले साल के लिए उसका 10% उसको मिलेगा, तो 30 लाख इसने वहां कमा लिया और 3 लाख जो है ना अगले साल के लिए पैदा कर लिए उसने। बिल्कुल, तो यदि वो 12 महीने भी अपने को इसी परफॉर्मेंस को यदि वो कंसिस्टेंटली करता है तो भारतीय 36.6 करोड़ रुपीज कमाए। ये जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर रहेंगे या इनको एजेंट रहेंगे इनके लिए हमने जो ये उनकी अर्निंग कैसे होगी उनके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट बनाया कि अगर किसी को हम बोलें तो वो उसके बेस पे कि हाँ मेरी इतनी इनकम होने वाली है। ये जो हमने अभी कहा है इसको डॉक्यूमेंट में लिख देना है और क्या करना है। देखिए हमने कहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ज्वाइंट वेंचरिस्ट दे विल बी एंटाइटल्ड टू 2,000 to 10,000 राइट। नंबर वन। नंबर टू, द मोमेंट ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट इज साइन एंड अप्रूव्ड दैट मनी विल कम टू देयर अकाउंट। उनको कोई मंथली मंथली वाला चक्कर नहीं है राइट। इट विल लेंड इंस्टेंटेनियसली। तो 10,000 एक उन्होंने किया 10,000 आया तो उनका जो खून थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना तभी तत्काल। बिल्कुल, उन्हें उन्हें किसी विकास धनकर के विश्वास की जरूरत नहीं है। उनका विकास उनका उनका जो है ना अपना वॉलेट उनको बताएगा कि आ गया भैया 10,000। बिल्कुल ठीक है ना। अब अज्यूम करिए कि उसमें हर जगह हम ह्यूमिलिटी जरूर रख रहे हैं राइट। तो अभी जो किसान है उसने कहा नहीं यार ये तो नाकचढ़ा था राइट, हम तो ज्वाइंट वेंचर में इसलिए एंटर कर गए क्योंकि हमें क्राइम फ्री भारत के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया था, तो ये नहीं आता तो हम खुद जाके आपसे ज्वाइंट वेंचर करते राइट। बट हिज बिहेवियर वाज बैड राइट, तो उसकी ह्यूमिलिटी भी ली जाएगी। तो ये व्यक्ति जो है ना जो नक्चड़े लोग हैं वो गायब हो जाएंगे उससे क्यों, या उनका अपना नक्चड़ा खत्म हो जाएगा क्यों। जैसे जूम करिए उसको 10,000 मिलना चाहिए
और उसकी मॉडेस्टी कम ह्यूमिलिटी इंडेक्स 0.8 आती है, राइट। तो उसको 10,000 की जगह 8,000 मिलेगा और 2,000 चले जाएगा कॉमन वेलफेयर फंड में ऑफ दैट कैटेगरी, जो कि उस कैटेगरी के लोगों के से कंसल्टेशन में ही खर्च किया जाएगा फॉर दैट ग्रुप ओनली, राइट। वी आर नॉट मेकिंग इट ए ओवरऑल सीएफवी वेलफेयर फंड, वी आर मेकिंग द सीएफवी वेलफेयर फंड ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड ऑफ पर्टिकुलर एरिया ओनली, राइट। तो तमिलनाडु में जो है ना यदि जो वेलफेयर फंड जनरेट हुआ दैट विल नॉट बी यूज इन यूपी, दैट विल नॉट बी यूज इन एमपी, राइट। लेकिन उसको इमीडिएटली तो जो है ना 2000 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब वो अगले ट्रांजेक्शन में वो इमीडिएट उसको तत्काल रहेगा कि यू लॉस्ट 20%, राइट, ऑन अकाउंट ऑफ दिस फैक्टर, राइट, एंड माय असेसमेंट इज अवेलेबल टू यू, ठीक है ना। तो कृपया अपने बिहेवियर पे इन फैक्टर को इम्प्रूव करो सो दैट अगली बार यू कैन हैव द योर वन इंडेक्स, राइट। तो वो अगले में इम्प्रूव करेगा, मालूम पड़ा को 0.9 हो गया, ठीक है ना। तो अब उसको जो है ना 9,000 मिलेगा और 1,000 चले जाएगा कॉमन वेलफेयर फंड में। जब वो तीसरे को नेगोशिएट करेगा तो फिर वो उसको 9.5 पर लाने की कोशिश, हो सकता है एक ही दिन में वो अपने बिहेवियर में इतना चेंज ले आए कि वो 1 पे पहुंच जाए। डू यू एग्री? बिल्कुल। अब मान लो अब उसको वो बिहेवियर जब उसका चलेगा कंटिन्यूसली, नाउ यू इमेजिन ए सिचुएशन कि जो है 21 दिन तक कहते हैं कि यदि किसी चीज को रिपीट किया जाए तो इट बिकम्स योर सेमी हैबिट, एंड इफ यू रिपीट इट फॉर द 90 डेज इट विल बिकम योर हैबिट, एंड लेटर ऑन जो है ना इफ इट गोज बियॉन्ड 90 डेज देन इट विल बिकम योर आचरण, योर बिकम योर वैल्यू सिस्टम, इट विल बिकम योर आपका वो आचरण बन जाएगा, आपका कंडक्ट बन जाएगा। सो यू आर नॉट ओनली द हेल्पिंग देम टू गेट मनी, You are improving their humility, you are improving their veshbhusha, you are improving their overall demeanor. तो जो चीजें जो है ना विलुप्त होती जा रही हैं और ये दारू और जो पोर्नोग्राफी और फालतू की चीजों के कारण और जो इवन पॉलिटिकल प्रोसेस के कारण जो समाज में जो है ना एकदम जो है एक बेढंगापन आ गया है, वो हम उसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। मतलब क्राइम फ्री भारत अकेला जो है ना उनकी मॉडेस्टी और उसको नहीं बता, मतलब उसको नहीं करेगा, बट इट विल क्रिएट ए न्यू वैदिक भारत, और वो आपके हाथ में नहीं है कि आप ना बदले। जब आपके 2000 गए या 3000 आपके हाथ से निकले, यू विल बी डब्ल्यू ट्रिपली कॉशियस के अगली बार ये गलती रिपीट ना हो, राइट। तो कुछ लोग जो है ना एक दिन में ही एक पे पहुंच जाएंगे, कुछ लोग 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे, राइट। अच्छा, कुछ लोग स्लिप बैक भी करेंगे, कह रहे हो एक पे पहुंच गए फिर जो है ना उन्होंने गच्चा खा लिया, कुछ कुछ उल्टा सीधा, फिर उनका ओरिजिनल कैरेक्टर फिर सामने आ गया, राइट। बिल्कुल। तो जैसे ही ओरिजिनल कैरेक्टर सामने आया, मालूम पड़ा उसको ग्रेडिंग से 0.6 पहुंच गई, राइट। तो ही विल लूज 4,000 रुपीज, राइट। मतलब इट विल, मतलब ही विल नॉट कंप्लीटली लूज, बट ही विल लूज एट द पर्सनल लेवल, क्योंकि दैट मनी इज गोइंग देन फॉर कलेक्टिव वेलफेयर, राइट। बिल्कुल। तो कलेक्टिव वेलफेयर के लिए यू कैन देन विल बी इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ देयर कलेक्टिव वेलफेयर ऑल्सो, राइट। एंड द सेकेंडली जो है जो स्लिपेज है वो सिल्पे इमीडिएटली जो है ना जर्क देगा उसको, राइट। जैसे मान लो जिम करिए कि आप अपने 1 पे पहुंच गए और फिर आपका ओरिजिनलिटी फिर से निकल के बाहर आ गई, ठीक है ना। फिर आपने वही गुम्मा मुक्की और नाक चढ़ापन कर दिया तो आपका 0.6 आ गया। अब 0.6 आ गया तो आपने 4,000 लूज कर गए। यदि 4,000 लूज करेंगे तो आप इमीडिएटली आप यू विल रिवर्ट बैक, नहीं नहीं गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ। तो यदि आप रिकैलकुलेट जो है ना बंदे भी हैं तो भी आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई ना करें, ये आपके बस की बात नहीं है। बिल्कुल। नाउ ओपिनियन लीडर का काम है ना, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, इट इज अवर जॉब टू क्रिएट एनिमेटेड थिंग्स, इट इज अवर जॉब टू क्रिएट। अब जैसे मान लो जो आप वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, राइट, यू आर हैविंग ए सॉर्ट ऑफ ए इमेज, तो हम उसके ऊपर एनिमेटेड मूवी क्यों नहीं बना सकते हैं। हमारी गांव की पूजा हो रही होगी, ये तुमको मुंह से कहने की जरूरत है, वहां गांव की पूजा एनिमेटेड में पूजा होते हुए दिखेगी। हाँ, जैसे एनिमेटेड मूवी दिखती है दिखेगा आपको। बगल में जो है ना आप जा रहे हैं और एक टोकन के लेके आपने जो है ना चारा खिलाने को मिल गया, चारा भी वहां मिल रहा है, आपने पुण्य कमा लिया, ठीक है ना। यदि आपको गौमिलन करना है तो गौमिलन का आपने टोकन फीस दिया और जो है ना आपको गौमिलन का समय मिल गया आपको। बिल्कुल, ठीक है ना। और फिर जो है जैसे जूम करिए, जब आपकी स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं तो जो वर्कर्स हैं
उनका जो है ना कल्चर रिवाइविंग के लिए भी अपन सिस्टम रख सकते हैं कि देना ये आप जो है ना डांसिंग से लेके ये सब लेके वो सब करें. सो देन वी विल नॉट बी ओनली क्रिएटिंग ए मैकेनाइज सिस्टम बट वी विल बी क्रिएटिंग ए वेरी वाइब्रेंट लाइव सिस्टम जिसमें आप उनके कल्चर को रिवाइव कर पाएंगे. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. उनके डांसिंग को उनके वेशभूषा को ये उनकी डांसिंग और वेशभूषा जो है ना ये फिल्म में जो है टीवी सीरियल वाले ही पैदा करेंगे. अरे सीएफबी भी पैदा करेगी और उनसे अच्छा करेगी. वो तो है. फिल्म यूनिट उनकी ही होगी हमारी भी होगी. और फिर सबसे बड़ी बात तो वी विल बी अटैकिंग सीएफबी टूरिज्म मॉडल मॉड्यूल इन सभी खेतों में जो है ना स्पेशली जो है ना टूरिज्म रिलेटेड हट्स होंगे जहां हम एजुकेशन देंगे बाहर लोगों को ब्रीफ करेंगे. क्योंकि अल्टीमेटली यदि मॉडल इतना सफल होगा तो विदेश वाले भी तो यात्रा करने आएंगे समझने के लिए. एक महत्वपूर्ण रूप ने करके दिया है भाई यहाँ पे. बिल्कुल सर बिल्कुल. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा ना. बिल्कुल होगा सर. तो देखो सवाल क्या है कि अभी भी लोग बात तो कर ही रहे हैं रोजी रोटी तो हर कोई कमा ही रहा है ना. उसको उसको देखिए आप जो है ना विदेशों में जाते हो और विदेश में इंडस्ट्री डालते हो और खट से वो फ्लरिश कर जाती है. क्यों? देयर इज ए इकोसिस्टम. डू यू एग्री? बिल्कुल. तो अब वो इकोसिस्टम जो है दैट इकोसिस्टम द सीएफबी वुड बी क्रिएटिंग फॉर इंडिया. सो इंडिया विल बिकम द हब फॉर एवरीबडी. नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा और दूसरी बात है जिसके पास 137 करोड़ लोग व्यक्ति हो और सभी का जीवन स्तर सुधारना हो तो आपको मार्केट की जरूरत क्या है? और इंडिया इंडिया के इंडिया के बाहर जो चीज जाएगी वो तो अमृत तुल्य 10 गुना रेट पे जाने वाली है. और जब वो 10 गुना रेट पे जाएगी तो जो 9 एमएसपी और मे बी 10 to 100 टाइम्स भी हो सकता है. राइट. तो अकेला जो है ना टिकट अकेला थोड़ी होता है कि साहब जो है ना फॉरेनर टिकट खरीदेगा तो महंगा खरीदेगा. ये अमृत भी जो है ना ये सिर्फ भारतीयों के लिए अवेलेबल है 1.8 एमएसपी पे. बाकी लोगों को तो वो 10 एमएसपी और 100 एमएसपी पे मिलेगा. बिल्कुल. एंड इट विल बी डिलीवर्ड इन इवन फॉरेन कंट्री एट देयर डोर स्टेप. तो आप इसमें देखें हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा शिपिंग अरेंजमेंट हमने कहा है वाटरवेज एंड शिपिंग अरेंजमेंट. तो आज जब आप पूरा सिस्टम बना हुआ है जब चाहे भेज सकते हैं. बना हुआ है पूरा सिस्टम उसको यूज कर सकते हैं. क्या सिस्टम बना हुआ है शिपिंग का? मतलब इंटरनेशनली भी मैं यहाँ से कुछ भेजना चाहूँ तो सिस्टम इजीली अवेलेबल है? नहीं ऐसे नहीं बनना है. जैसे अपन ने कहा है कि आप फार्म हाउस में जा रहे हैं वहाँ रैक अवेलेबल है मटेरियल उसमें ग्रेडिंग के बाद जो है क्वालिटी ग्रेडिंग फार्मर्स आइडेंटिटी फार्म आइडेंटिटी क्वालिटी आइडेंटिटी रिव्यूज उनके साथ जो है ना क्यूआर कोड के साथ उसमें टैग लग जाएगा विद द लॉकिंग विद द डेट टाइम एंड लोकेशन. राइट. एंड उस रैक में रख जाएगा. अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आया वो एक घंटे नहीं लगना है उसको. वहां लोडर रहेगा. लोडर जो है ना लोडर में भी यूज फॉर एरिया. राइट. तो जहां ट्रक पहुंचने वाला है वहां पर लोडर पहले पहुंच जाएगा. उसने उस सिस्टम को उठाया और ट्रक के अंदर डाल दिया. ऐसे ही अनलोडर वहां पे होंगे. तो जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी इफिशियंसी कम से कम 4 गुना 5 गुना बढ़ेगी. राइट. अब उनको भी जो है ना कहाँ का सामान कहाँ पहुंचाना है इस पे कोई एनर्जी नहीं लगाना है कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है कुछ नहीं करना है. उनका माल डिलीवर हुआ और उसी समय उनको पैसा मिल जाना है. राइट. तो जो ट्रांसपोर्टर है उनकी एनर्जी किस में जाएगी? टू इंक्रीज देयर फ्लीट टू हैव मोर नंबर ऑफ द ड्राइवर्स. तो आप तो सभी की कॉस्ट खत्म कर रहे हो ना. और आप वहां पे भी वो नहीं हो आप जो है ना व्हीकल्स में जो है जीपीएस लगवा दोगे आरएफआईडी लगवा दोगे एंड उनके उनका जो है ना हर ट्रांसपोर्टर को अपना सिस्टम की जरूरत नहीं है. सीएफबी विल प्रोवाइड दैट टेक्नोलॉजी. तो क्योंकि कंज्यूमर को तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि अभी ट्रक कहां तक पहुंच गया है हाउ मच एक्सपेक्टेड टाइम में डिलीवरी हो जाएगी. उसमें हमने आपने दिया है कि डिलीवरी ऑप्शंस कि सामने वाला क्या चाहता है कि उसको जो है ना बाहर पॉकेट में रख दिया जाए या पड़ोसी को दे दिया जाए ये ऑप्शंस भी उसमें रहेंगे. मतलब इट इज ए टोटल एंड टू एंड थिंग्स. और जो बीच के पार्टनर्स को आप साथी बना रहे हो यदि वो आपसे नहीं जुड़ेंगे तो दे विल वैनिश एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो.
बिल्कुल तो जब इतना पावरफुल है वो सफल क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताओ ना कि कौन सी चीज हम इमेजिनरी कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब ये बात तो मुझे नहीं जम रही है। नहीं नहीं बात ऐसी कोई नहीं है जो इमेजिनरी हो जम नहीं रही है। हाँ बस तो ये है कि उसको ग्राउंड पे लाके अब शुरू करना। तो ग्राउंड का लाने का मॉडल भी तो अपन चालू कर ही दिए है ना, अपना टेक्नोलॉजी का काम चल ही रहा है, ठीक है ना? हाँ नहीं वक्त लगता है लेकिन हो जाएगा, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं। देखिए अभी आज आज तो सर वो करना था, क्या करना था, वेबसाइट आपने कहा था ना ऑनलाइन लॉन्च नहीं वो कर देंगे। 15 दिन और लग रहे हैं, उसमें कुछ बग्स वगैरह आ रहे हैं, अब ये सब समय लगता है, टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट ओनली, दे हैव टेकन 15 डेज मोर टाइम, बट एनीवे दैट इज फॉर द क्राइम पार्ट रिपोर्ट, इट इज नॉट फॉर दिस बेसिकली। नहीं साइट तो होना जरूरी है ना। नहीं आई मीन इट विल बी हैविंग मेनी पेजेस राइट, 18-20 नहीं पेजेस उसमें होंगे। वो तो सर कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी साइट होनी जरूरी है। अरे साइट तो अभी भी है, हमने उसको पब्लिकली रिकॉग्निशन नहीं दिया है, अभी भी है, अभी हमने उसको पब्लिक को समर्पित नहीं किया है, अच्छा किस नाम से है? अभी वो है, वो हमने उसको लॉन्च नहीं किया है, हमारे बच्चों ने तैयार किया था उसको, अभी हमने फॉर्मली लॉन्च नहीं किया है। नहीं नहीं लॉन्चिंग ना करके उसको बेटर ये है कि जो साइट अवेलेबल है नहीं नहीं ये तो उसको। लॉन्चिंग का है, ये तो पब्लिकली रिपोर्टिंग सिस्टम होगा ना, ये तो बिना लॉन्चिंग के नहीं काम ही सर नहीं दो चलेगा। अलग चीज है, मैं अलग चीज बात कर रहा हूँ। जो साइट है ना, हाँ जो वेबसाइट है, वो बेसिकली एक ओपन डॉक्यूमेंट रहता है कि जिससे कि आदमी जब चाहे उसको समझ के उससे जुड़ देखो देखो सके। देखो ये तो जो है ना बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए है राइट, आपका बिजनेस मॉडल जो है ना वो समझने जो है ना पोर्टल पे जाके समझने वालों के लिए नहीं है, वो तो आपको LIC मॉडल से बिजनेस डेवलपमेंट वाला पूरी समझाएगा, एनिमेटेड चीजें दिखाएगा, यदि वो वेबसाइट को दिखाना है तो वो भी दिखाएगा, जो ऑलरेडी डिलीवरी जो है ना ऑन वे है वो उनको दिखाएगा, देखो ये डिलीवरी जा रही है राइट, सक्सेसफुल मॉडल को दिखाएगा वो, तो इट विल नॉट बी के वो कोई देख के फिर हमको कांटेक्ट करे। नहीं नहीं सर उसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, नहीं उसका मैं आपकी बात बेसिकली क्या समझ है, रहा हूँ, मैं आपकी बात जैसे समझ हमारा रहा हूँ। एजेंट है, नहीं जैसे हमारा एजेंट है वो किसी लेमैन के पास जाएगा, ये ठीक है कि वो हर आदमी इसको समझ नहीं सकता, लेकिन उस एजेंट को अपने साथ कुछ नहीं कैरी करना, उसको सिर्फ अपने मोबाइल पे खोल के दिखाना, देखो जी ये सिस्टम है, तो हमारा वो सिस्टम ऑनलाइन चाहिए वो मोबाइल उसी पे को नहीं दिखाया वेबसाइट पे। जाएगा, देखिए उसमें सिस्टम को भी दिखाएगा, उसमें एनिमेशन भी डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, क्योंकि इस रियलिटी को जमीन में आने में टाइम लैग रहेगा, तो वो तो है ही है। जब तक टाइम लैग नहीं होगा तो हर किसी की वर्चुअल फैकल्टी इसको समझ नहीं पाएगी, लेकिन एनिमेटेड फिल्म बता देगी ना कैसे काम करेगा ये राइट, और जितना वर्क जो है ना कंप्लीट हो जाएगा उतना जो है ना दिखने लग जाएगा, देखो साहब अभी ये डिलीवरी जो है ना इसने ऑर्डर दिया था, इसकी डिलीवरी है रास्ते में ये पहुंच जाएगा, देखो ये इसके रिव्यूज है। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात तो है कि आप आज की सभी समस्याओं को एक साथ जो है ना हैंडल कर रहे हो, आप जो है ना एयर पॉल्यूशन को आप हैंडल कर रहे हो राइट, आप तो सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो 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 है ना पॉपुलेशन जो है ना शिफ्ट हो रही है अर्बन एरिया में, एंड वी आर क्रिएटिंग स्लम्स एंड वी आर क्रिएटिंग ट्रैफिक कंजेशन, दे विल बी रिवर्स फ्लो ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम अर्बन टू द रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में ऐसा हो गई कुछ हो गई नहीं जो कि रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं होगा, और रूरल एरिया में जो है ना ज्यादा अच्छे सुकून का माहौल होगा, एंजॉयमेंट रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, और क्वालिटी उनके लिविंग स्टैंडर्ड रहेगी, आज जैसे वो गांव बहुत सारे जो है ना उस क्लास के लोग तो गांवों में भी उसी तरीके के छोटे मोटे झोपड़े में रह रहे हैं, तो दे आर मे नॉट बी एज बैड एज स्लम एरिया बट दे आर वेरी क्लोज रेप्लिका ऑफ द स्लम एरिया ओनली, वहां थोड़ी साफ सफाई अच्छी हो सकती है बिकॉज वो उतना कंजेशन नहीं है, उतनी मारामारी नहीं है, तो इट मे बी रिलेटिवली लिटिल मोर रिलैक्स एटमोस्फियर, बट आज भी जो है ना गरीब लोग जो गांव में भी रह रहे हैं दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर स्पेस, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर एमिनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट गुड एट दैट एंड, तो है ही नहीं सर, क्वालिटी कहाँ है, क्वालिटी का क्यों भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आप क्वालिटी का पूरा QUALITY पैदा कर दे रहे हो, तब तो लोगों को दौड़ के जुड़ना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें उसमें जो आप वो कह रहे हैं वो सब चीजें रहेंगी कि आप दिखाएंगे पोर्टल पे दिखाएंगे तो वो क्लिक कर देगा, तो मैथिली शरण गुप्त उनको एड्रेस कर रहा है किसानों को, प्रिय किसानों राइट, सो दे कैन लिसन डायरेक्टली फ्रॉम मैथिली शरण गुप्त ऑल्सो राइट, बिल्कुल बिल्कुल राइट, और देखो इट इज ए
लाइक ए रॉकेट योर इकोनॉमी विल बी मूविंग टू द हायर ट्रेजेक्टरी. डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल. बहुत हाई ट्रेजेक्टरी में पहुंचेगी और सब जगह समृद्धि होगी. एंड जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब आपकी काम करेगी तो जो अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और जो लोग आपको बना रहे हैं वो भी काफी कुछ इधर आ जाएगा. बिल्कुल. है कि नहीं? तो डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल सर. है ना. चलो तो फिर इसमें आप क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे. हाँ आ रहा हूं मैं. कपड़े पहन लू. चलो ऊपर पहन लू. चलो तो विकास में आप 10 मिनट में बात करता हूँ. है ना. कोई नहीं, कंफर्टेबली बाद में कर लेंगे. ठीक है. ओके. थैंक यू.